नमस्कार, जनता का आईना में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेलंगाना में हुए इनकाउंटर पर। क्या किसी बलात्कार के आरोपी को पुलिस इनकाउंटर में मार सकती है? क्या पुलिस कानून अपने हाथ में ले सकती है? अब हम बात करेंगे कानूनी पहलुओं की। क्या किसी आरोपी को इनकाउंटर में मारा जा सकता है? क्या अदालत में लेके जाने के बगैर, चार्जशीट फाइल किए बगैर, गवाहों को को सुने बगैर, आरोपी को मौका दिए बगैर किसी को भी पुलिस अपने खुद सजा सुना सकती है और वो सजा का इम्प्लीमेंटेशन भी खुद पुलिस कर सकती है? क्या सारे अधिकार जो है पुलिस अपने हाथ में ले सकती है? ये सारे सवालों का जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर पुलिस को सारे अधिकार दिए जाएं, तो पुलिस कल किसी को भी उठाएगी और बोलेगी कि ये FIR में इसने ये अपराध किया है और हम उसको सजा दे रहे हैं और उसका इनकाउंटर कर देंगे, या उसको मारा पीटा जाएगा, या फिर उसके साथ कोई अत्याचार किया जाएगा। क्या हमने ये व्यवस्था अपनाई है क्या? तो ये सवाल का हमको जवाब ढूंढना पड़ेगा। अगर ऐसा ही होगा तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, वो पुलिस को आराम से मैनेज कर लेंगे और पुलिस ही सजा सुनाने लगेगी और सजा देने लगेगी। क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं? किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या हम कानूनों की धज्जियां उड़ा सकते हैं? तो ये सारे सवालों के जवाब हमको ढूंढने पड़ेंगे। अब हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में ये साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी व्यक्ति का हम जीवन नहीं ले सकते हैं। उसके सारे अधिकार जो मूलभूत अधिकार हैं वो हमेशा बने रहते हैं और किसी का भी हम मूलभूत अधिकार नहीं ले सकते हैं। सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून के अनुसार हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, कानून के अनुसार हम उसकी छानबीन कर सकते हैं और कानून के अनुसार हम उसे कोर्ट में पहुंचा सकते हैं, और कोर्ट में चार्जशीट फाइल करने के बाद ये कोर्ट का काम होगा कि उसे अपराधी सिद्ध करे या नहीं करे, उसे सजा दे या नहीं दे। वहाँ पर कानून के हिसाब से गवाह आएंगे और उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा। तो ये हमारे कानून की व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था यहाँ पर इस केस में अपनाई गई थी? इन आरोपियों को 3-4 दिन पहले ही अरेस्ट किया गया था, उसके बाद उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन बाकी थी। पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है सबसे पहले FIR लिखना। ये केस में साफ बात हुई है कि पुलिस ने FIR लिखने में बहुत ही आनाकानी की और FIR लिखने में डिले किया, तो इससे भी आरोपी को छूटने का रास्ता मिल जाता है। जब FIR डिले रजिस्टर किया जाता है तो सबसे पहली बात यह है कि कोई महिला के साथ अपराध हुआ और कोई अगर पुलिस स्टेशन में गए तो उसका FIR जल्द से जल्द क्यों नहीं लिखा गया? ये सवाल पुलिस पर है। दूसरा सवाल है कि उसके बाद पुलिस ने केस की छानबीन करना शुरू करना चाहिए। केस की छानबीन करने का मतलब है कि प्रॉपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। साइंटिफिक तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और बराबर से चार्जशीट फाइल की जाएगी और सही तरीके से गवाहों को ढूंढा जाएगा, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे मैजिस्ट्रेट के सामने, और सारे डॉक्यूमेंट लेकर पुलिस का काम था कि न्यायालय में हाजिर हो और न्यायालय के सामने सब चीज़ें रखना, और फिर उसके बाद ये काम होता था न्यायालय का और पुलिस का भी कि वो सारे गवाह जो है वो कोर्ट के सामने आते और कोर्ट में गवाही होती और उसके बाद कानून में लिखी अनुसार जो सज़ा होती है, उसमें फांसी की सज़ा भी है हमारे देश में, वो उनको मिल सकती थी। लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया है, ये पूरी तरह से हत्या है, और इस हत्या के मामले में पुलिस वालों पर तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए। हमें यह देखना पड़ेगा कि ये इनकाउंटर करने का आदेश कहां से आया था। क्या ये आदेश मुख्यमंत्री के पास से आया था? क्या पुलिस ने अपने आप ये इनकाउंटर कर दिया? जो पुलिस कहानी बता रही है उस पे किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। ये आरोपी जो है वो पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस की कस्टडी में उन आरोपियों की रक्षा करना भी पुलिस का जवाबदारी थी।
कि कोई उन पर हमला नहीं करे या कोई उनसे गैर बर्ताव नहीं करे, और ये आरोपी भी कहीं भाग के ना जाए या कोई काम गलत काम ना करे, ये देखने का काम भी पुलिस का था। पुलिस ने अपनी दोनों जवाबदारियां नहीं निभाई। तो ये जो स्टोरी बनाई जा रही है कि ये भाग रहे थे, इन्होंने पुलिस पे हमला किया, ये स्टोरी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उनके कस्टडी में था, कोई ऐसा नहीं था। ये इनकाउंटर आमतौर पे कैसे होता है कि कोई आरोपी अपराधी आया और पुलिस पे गोली चलाई और फिर उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई, ऐसा मामला नहीं था। ये उनके कस्टडी में थे और उनकी कस्टडी में ये कस्टोडियल डेथ है, इसको कस्टोडियल डेथ बोलेंगे, इनकाउंटर किलिंग नहीं बोलेंगे। और इस कस्टडी डेथ ये कैसे हुई, ये इनकाउंटर जो हुआ है वो सिर्फ पुलिस ने कर दिया, ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसमें बड़े पुलिस अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है और मुख्यमंत्री का भी हाथ हो सकता है, और इस सब की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। क्या इसमें मुख्यमंत्री का भी हाथ है, और अगर है तो ये सारे पुलिस वालों और मुख्यमंत्री पर भी FIR दर्ज होना चाहिए और जो है खून का गुनाह रजिस्टर होना चाहिए। मैं ये सब बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पीड़ित महिला के प्रति संवेदनशील नहीं हूँ। मैं उस पीड़ित महिला के प्रति संवेदनशील हूँ, क्योंकि आज तक ये पता नहीं चला है कि उसका बलात्कार किसने किया, आज तक ये पता नहीं चला है कि उस पीड़िता का खून किसने किया। ये पता कैसे चलता था, जब ये केस का इन्वेस्टिगेशन होता था, केस का इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने नहीं किया और जो लोगों को पकड़ा था उनको मार दिया, फिर ये तब सिद्ध होता था जब ये केस जो है चार्जशीट के साथ कोर्ट में जाता था और कोर्ट में गवाहों को क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद कोर्ट जब डिसाइड करता कि इन्होंने खून किया, तभी वो खूनी माने जाते थे। आज हमें पता नहीं कि किसे मारा गया है और कौन खूनी है, शायद खूनी जो है वो खुलेआम घूम रहे होंगे, बलात्कारी खुलेआम घूम रहे होंगे और किसी एक और को मार दिया गया होगा, या चारों में से किसी कोई एक बेगुनाह होगा, हमें मालूम नहीं। तो ये जो पुलिस ने किया है ये बहुत ही गलत काम किया है, और ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था और हमारे देश में जो कानून का राज बताया जाता है वो कानून के राज के लिए ये एक खतरा निर्माण हो गया है। अगर रास्ते पर आकर मॉब लिंचिंग होने लगे, पुलिस आरोपी को पकड़कर सड़क पर मारने लगे, तो फिर कानून कहाँ रहेगा। अब दूसरा है कि ये इनकाउंटर किलिंग के बारे में सुप्रीम कोर्ट के खुद के गाइडलाइन हैं कि अगर किसी, और ह्यूमन राइट कमीशन के भी गाइडलाइन हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर इनकाउंटर होता है तो उसका कानून में ही प्रावधान है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए मैजिस्ट्रेट द्वारा। जब भी ये इस तरह का इनकाउंटर होता है तो उसका पोस्टमार्टम तुरंत होना चाहिए और वो स्पेशल डॉक्टर के अंडर में होना चाहिए, और उस पूरे इनकाउंटर का वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पूरे इनकाउंटर पे जो है पुलिस के खिलाफ FIR रजिस्टर होना चाहिए, फिर उसके बाद ये इनकाउंटर की रिपोर्ट जो है तुरंत मानवाधिकार आयोग को भेजनी चाहिए। किसी भी पुलिस वाले को जो इनकाउंटर में इन्वॉल्व थे उनका जो रूटीन प्रमोशन है, उसके अलावा उनको रूटीन प्रमोशन छोड़कर एडिशनल प्रमोशन नहीं देना चाहिए जब तक के ये निर्दोष साबित नहीं हो जाते। तो ये सारे जो है ये गाइडलाइन जो है हमें लिखे हुए हैं, तो उनका पालन जो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो अनुभव रहा है और रिकॉर्ड रहा है कि पुलिस ने बहुत सारे इनकाउंटर के नाम पर बहुत सारे जो है निर्दोष लोगों को पुलिस ने मारा है, और इस तरह के बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, और कोर्ट ने पाया है कि ये निरपराध लोगों को मारा गया है और पुलिस वालों को भी बहुत सारे केसेस में सजा हुई है। तो इसलिए हम नागरिक करके, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने नागरिक करके हमारे रक्षा की, हमारे न्याय की जवाबदारी हमने जब सरकार को दी है, तो सरकार का कर्तव्य है कि हमें पूरी तरह से न्याय मिले हमारे, और जो भी कार्रवाई हो वो कानूनी रूप से कार्रवाई हो।